सो हाय गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम झक्कास हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:11। हम गए थे ककनमठ घूमने, घूम के आ चुके हैं। आपके लिए भी वीडियो बनाई है, डोंट वरी, वो वीडियो आप आगे देखोगे। लेकिन यार वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, एक लड़का आया था भाई, उससे लड़ाई बड़ाई हो गई थी थोड़ी। मतलब हम तो लड़ते बढ़ते हैं नहीं ऐसी भाई, बातों बातों में कुछ वो मतलब लंबी लंबी फेंक रहा था कुछ होगी। फिर हम भाई यहाँ से चले यहाँ, बट वीडियो हमने बना ली, डोंट वरी आप सबके लिए। और हाँ, ये भाई शॉटगन माइक आ चुका है अपना बोया का व्लॉगिंग के लिए, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे गाइस वीडियो में आगे। लेकिन तब तक आप वो सिनेमेटिक चेक करके आइए वगैरह वगैरह ककनमठ के, चाहिए। ओह सो ककनमठ हमने पूरा देख लिया है। अब आप बोलोगे हम क्यों आए थे? सो हम अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ नहीं भूलते, आप लोगों के लिए भी हमने सिनेमेटिक निकाल के रखे हैं। मतलब इतने खास सिनेमेटिक तो मैं बना नहीं पाता, लेकिन जो भी है वो बना दिया है। आप चेक कीजिए, फिर आइए, फिर बातें करते हैं। कैसे लगे सिनेमैटिक? तो मेरे साथ आया पीके प्रमोद कॉमेडी चैनल में देखा होगा इसको, ठाकुर बनाता है बिना हाथ वाला, और इसे तो आप जानते हो वो भी। सो प्रमोद बोल रहा था मेरा इंट्रोडक्शन दे दे खुश हो गया। सो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, क्या बोलूँ यार। बस कोई बात नहीं, बोल दे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, इसके चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, और इसको बहुत सपोर्ट करना यार, हमारी ऑडियंस वही करती है, दिल से अच्छी है। सो गाइस, जो ककनमठ में जो पिलर्स हैं ना, बोलते हैं ना गिन ही नहीं सकते, वैसे मैं भी कन्फ्यूज हो गया 56 निकले मेरे तो। आप आना कभी तो गिन के चेक करना। और जितनी भी मूर्तियां हैं यहाँ पे भाई, सब की सब खंडित हैं, मतलब फूटी हुई हैं सब की सब। पहले जब बताते हैं कि जो अंग्रेजों ने भाई कब्जा किया था तब फोड़ दी थी, क्योंकि हिंदू धर्म की ऐसे वैसे, मतलब मुझे कुछ कन्फर्म नहीं है। और हाँ, यहाँ पे भाई यहाँ गांव है जो पास में, उससे पूछोगे ना उन गांव वाले तो बताएंगे कि ये मंदिर भूतों ने बनाया है, रात में बना दिया भूतों ने, 6 महीने की रात में, कुछ भी हो भाई रात में बना दिया भूतों ने। लेकिन भाई वहाँ पे अब गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि भाई ये भूतों ने नहीं बनाया, राजा महाराजाओं ने बनाया था, तो पता नहीं किसने बनाया, आप बताना कमेंट में। सो आपने ककनमठ देख ही लिया हुआ, जितने भी शॉट ले पाए उतने दिखाए होंगे, ज़्यादा से नहीं ले पाए क्योंकि आपको बताया लड़ाई बड़ाई होगी लड़के का, उसके बारे में आपसे आगे बात करूँ। लेकिन इसको अनबॉक्स करते हैं पहले, बबू तू पहाड़ जितना दिखता भी नहीं, इसको अनबॉक्स करते हैं फिर बात करते हैं आपसे। तो गाइस बॉबी रोने लगा था कि मैं खोलूँगा, तो मैंने कहा ठीक है तू खोल ले। बॉबी सर प्लीज अनबॉक्स। या बॉय बादशाह भाई, कितने दिनों से इंतजार था इसका। ओ भाई बोया देखिए तो। सो गाइस ये है माइक बोया भाई MM1। हाँ उसे छुपा ले, एड्रेस मत दिखा बोया भाई MM1। इसको ओपन करिए सर। जल्दी जल्दी में ओपन भी नहीं। अरे दिखा यार, निकल निकल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। अब ये इधर से। ऐसे ऐसे। ओ भाई इसमें से कुछ है, चूहा। क्या मतलब? क्या मतलब? मैंने उल्टा खोल दिया। ये क्या है? चूहा है गाइस, चूहा। क्या मतलब मैंने उल्टा खोल दिया, खुद की बेइज्जती कर ली। सो गाइस ये भाई ये विंड सील है, पता नहीं क्या बोलते थे, और ये भाई लगाने के लिए कैमरे में, और ये है पुस्तकें जिन्हें हम कभी पढ़ते ही नहीं है, और ये है भाई मेन माइक। इसमें वेट है भाई, इसमें ये माइक है गाइस, और ये भाई कुछ केबलें मिली हैं, इससे मैं भाई घर में लाइट लगाऊंगा
पता नहीं इसमें लगाने की है, कौन सी दो हैं इसमें, हम इतने अनपढ़ हैं कि हमें कुछ नहीं पता। और ये भाई इसका थैला, ओहो सब्जी के लिए थैला और कुछ नहीं है। अभी हम इसको सही करते हैं, फिर इसमें लगा के चेक करते हैं। सो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मेरा माइक नहीं लगाया हुआ, माइक मेरे हाथ में है, वो है भाई MM1। सो मैं ऐसे लगाता हूँ और फिर ब्लॉग कंटिन्यू कर। मैंने अभी लगा लिया है माइक। वैसे आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क आ नहीं रहा होगा क्योंकि भाई रात है, तो रात को बैकग्राउंड में नॉइज़ इतनी होती नहीं है, तो कैमरा का भी माइक अच्छा ही काम कर रहा होगा इस टाइम, और ये माइक तो कर ही रहा है अच्छा। तो वैसे कल के ब्लॉग में जो आएगा ना उसमें पता चल जाएगा आपको कि क्या फ़र्क होता है, तो मैं बता दूंगा। वैसे तो अभी तो बैकग्राउंड में नॉइज़ है नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा फिलहाल। और ये माइक मुझे पड़ा है 1500 रुपये का, बोया भाई MM1 बोया का है। मेरे पास पहले भी बोया का था लेकिन वो वायर वाला था, 20 फीट की वायर थी, 18-20 फीट की, तो वो संभालना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन भाई ये सही है, कैमरे में अटैच हो गया, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। कैसे भी ब्लॉगिंग करते रहो, कहीं भी उठाओ और शुरू हो जाओ। तो मैं बता रहा था कि मतलब आज ककनवट पे कोई सीन वीन हो गया था लड़की के साथ, तो वो हुआ ऐसा कि हम भाई वीडियो शूट कर रहे थे, अपना फोटोज ले रहे थे, तो वो अचानक से आया और कैमरे के बारे में डिटेल पूछने लगा। मैंने बता दिया कि कैनन का 200D Mark II है। अब मुझसे बोलता कि भाई तुम्हें पता है मेरे भाई का कैमरा कितने का है? मैंने कहा मुझे कैसे पता कि 4 लाख का। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, मतलब वो अपनी सिर्फ मतलब अपनी जो भाई बाप का पैसा बोलते नहीं, जब आपके पैसे फोड़ते हैं वैसे भाई बिहेव करने लगा कि भाई मेरे पास ये, मेरे पास वो फलांडम का। मैंने कहा अच्छी बात है, वो चला गया ऊपर ककनवट पे, हम नीचे फोटोज ले रहे थे। जाने के बाद बोलता भाई कैमरा दोगे क्या फोटो खींचने के लिए? मैंने मना कर दिया कि भाई कुछ ही फोटोज खींचेंगे, प्लीज दे दो। मैंने कहा ठीक है, कैमरा दे दिया भाई मैंने उसे अपना। कैमरा यूज़ करने के बाद भाई आता है मुझे बताता है, देख फोटोग्राफी ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। अब मुझे सिखाने लगा, अपने चैनल्स के बारे में बताने लगा, जिस पे भाई घंटा भी सब्सक्राइबर नहीं थे, 10-50 व्यूज आते थे, मतलब कुछ भी हो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई अपने बारे में बताने। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है भाई। वो मुझसे मतलब चढ़ ही जा रहा। और फिर थोड़ी देर बाद मतलब वो मैंने अपना चैनल लगाया, मैंने कहा भाई आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन भाई उसका तो पता नहीं क्या ही सीन था, मुझसे मतलब एकदम उल्टा सीधा बिहेव करने लगा। मतलब मैंने कहा ठीक है भाई छोड़ो, कोई बात नहीं, आप अपना कैमरा मुझे मेरा कैमरा वापस करो और आप करते रहो। फिर वो गार्ड था भाई, वो हमसे लड़ने लगा ना, फिर गार्ड आया, बोला क्या भाई क्यों लड़ रहा है? तो गार्ड से बोलता है तुम तो चुप रहो, अपने मंदिर से जो पैसा कमाते हो, मंदिर से जो पैसे उठाते हो वो काम करो। भाई गार्ड से उसने अजीब बोल दिया, भाई गार्ड नाराज़ हो गया। तो उसने वो बोलता है मैं कितने भी पैसे फेंक दूंगा, 5,000-10,000 बताओ कितने मंदिर पे फेंकूँ, तुम उठा लेना। भाई गार्ड की खिसक गई, उसने उसे मतलब डांट मार दिया। फिर वो भागने लगा, फिर भागते भागते बोलता है मतलब भागने लगा, फिर नीचे भी कोई लोग थे, उन्होंने भी उसे डांटा, बहुत समझाया, फिर उनसे बातचीत हुई, पता नहीं क्या हुआ, हम तो ऊपर थे। फिर मैं उसे जाते जाते बोलता है तुझे लड़ना हो तो बता दियो। मैं भाई मुझे नहीं लड़ना भाई, तू जा यहाँ से। बोलता नहीं नहीं लड़ना हो तो बता दियो। मैं हाँ भाई ठीक है देख लियो जा। बोलता मैं तेरे घर आऊँगा, ग्वालियर आऊँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाइए। जाते गाड़ी पे जाते जाते भी धमका रहा बोला, वो मुझसे बीच में बोला कि बोल गन निकालूँ बैग से। मैंने कहा भाई देख मुझे लड़ना नहीं है, तुझे जाना है तो जा, फालतू में बखेड़ा खड़ा मत कर। फिर पता नहीं वो गार्ड वार्ड ने संभाल लिया, फिर वो डर गया और चला गया। ऐसे ही होते हैं आज के लोग, मतलब बहुत कुछ हुआ, बट छोड़ो ना यार अपने बाप के पैसे पे। मैंने उससे बोल दिया भाई कि जो तू दिखा रहा है ना 4 लाख के कैमरे, वो तेरे बाप के पैसे के हैं, मतलब देख तेरे भाई का है कैमरा, तेरा तो नहीं है। मैंने बोला तुझ पे क्या है? मैंने कहा तुझ पे कुछ है? जो कैमरा तू मेरे पास देख रहा है ना 53K का है भाई, मैंने खुद मेहनत करके लिया है, जो कुछ भी है मैंने खुद का है, तेरे पास क्या है? मैंने बोला कि बोलता मेरे पास तो कुछ नहीं है ना भाई। मैंने कहा फिर मत उड़, जो मेरे पास है ना मैं उड़ नहीं रहा, और तेरे पास तो कुछ नहीं है, घर वालों का है उस पर उड़ रहा है तू। वही वस्ते में क्या उसकी किसक की पता नहीं क्या ही गन वन निकालने की बोल रहा। मैंने कहा भाई तू जा यहाँ से जा, फिर चला गया वो, फिर कुछ नहीं छोड़ो। खैर अभी तो फिलहाल मैं एडिटिंग करता हूँ, इस ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा, और फिर एडिटिंग करते करते आपसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं, तब तक के लिए एडिटिंग करते हैं, छत पे चल के। अभी हो रही है एडिटिंग भाई, लाइट ऊपर छत पर है नहीं, मतलब ऊपर पूरा बना नहीं है ना, तो लाइट वाइट नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोन का फ्लेश जला रखा है गाइस। और भाई देख सकते हो कितना सस्ता बल्ब लगा हुआ है, वो देखो भाई 10 रुपये वाला बल्ब। और यहाँ चल रही है एडिटिंग, यहाँ एडिटिंग चल रही है गाइस। सो रात को टाइम भाई कितना हो रहा है, टाइम भाई 12 बज गए, और 12 बजे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। नींद बहुत भयंकर आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं भाई खुद से ही, लेकिन अभी एडिटिंग बाकी है तो एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग ख़त्म भी करनी, एडिटिंग ख़त्म करने के बाद फिर सोएंगे, और सुबह 6 बजे का अलार्म लगा हुआ है, खड़े होएंगे अपलोड करेंगे, क्योंकि 6 बजे के
कुछ टाइम बाद नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब नेटवर्क बहुत स्लो है। तो गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।